अरे आत्महत्या कर रहे हैं। बाराबंकी में भी एक आरक्षी ने सुसाइड किया था। आज उस घटना को लेकर एक सप्ताह हो गया, इसको ये किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, हमने पूरी तालिका देखी, पिछले 3 साल का हमने स्टैटिस्टिक्स निकाला। हमेशा यहाँ पे 10-12 करके आत्महत्याएं हुई हैं पूरे 3-4 सालों में। इस बार सितंबर महीने में 6 आत्महत्याएं हुई, जिसमें कि 2 हमारे IPS ऑफिसर थे, एक हमारे राजेश शाहनी थे और एक सुरेंद्र दास थे। तो मोर और लेस हमारा आत्महत्या का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बराबर है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है और हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि केवल व्यावसायिक तनाव के कारण ही आत्महत्याएँ होती हैं। आजकल परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और परिवार के प्रॉब्लम्स, पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण भी लोग आत्महत्याएं करते हैं, और हमने इसके लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था कर की है। कई कई जगहों पे काउंसलिंग हो रहे हैं और इसको और भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। सर, क्या आपसी तालमेल की कमी मानी जाए इसको, ये छुट्टी या फिर छुट्टी ना मिलने की वजह? ऐसा कहीं नहीं है कि छुट्टी नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है कि SP ने जो है छुट्टी नहीं दी। हम लोग वी ट्राई टू एडजस्ट, कभी कभी हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की इस बात की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो इस बार आज न जाके कल जाना, परसों जाना, क्योंकि ड्यूटी की अधिकता होती है। लेकिन कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसने पूरी छुट्टी न काटी। सर, विवेक तिवारी प्रकरण में यूपी पुलिस की किरकिरी हुई है, क्योंकि आपसे आपके महकमे के ही सिपाही आरोपी के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी भी पुलिस के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। और मैंने पहले भी कहा है कि 1 या 2 पुलिसकर्मियों के आचरण और कंडक्ट से पूरी पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए। हमने उसको जिस अपराध में की संज्ञा में दिया, हमने किया, हमने उसे अपराधी घोषित किया, उसको बर्खास्त किया, उसको जेल भेजा, क्योंकि उसने इस तरह का कृत्य किया। लेकिन 2 कांस्टेबल्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं हो सकते हैं। वो हमारे उत्तर प्रदेश के 3,20,000 से ज़्यादा लोगों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हमने कई अच्छे काम किए हैं, हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने कई अच्छे काम किए हैं, अच्छे अच्छे अपराधियों को पकड़ा है, अच्छे अच्छे पुलिस इंगेजमेंट्स किए हैं। वो भी हमारे सिपाही हैं, वो भी हमारे जवान हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जवान की गलती, उसने रिफ्लेक्सेस खो दिया, और किन कारणों से उसने किया इसकी जाँच हो रही है, SIT हमने बनाया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल 2 सिपाहियों के कारण हमारी पूरी संस्कृति को न समझा जाए कि हम ख़राब हैं। हम लोग हमेशा, हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा है और हम हमेशा अच्छा किए हैं और करते रहेंगे। और यही कारण है कि हमने प्रशिक्षण पे, अपने कमांड एंड कंट्रोल पे, हमें अपने जवानों पे जितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हम लोग सभी एक परिवार में रहते हैं। और मुझे पूरे अपने जवानों पर पूरा भरोसा है, इस बात का भरोसा है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे ले जाने के लिए यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं और हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो बाराबंकी का पुलिसकर्मी हो, चाहे बहराइच का हो, चाहे बागपत का हो। हम सभी मिलकर काम करते हैं और टीम भावना से काम करते हैं। एक घटना हो गई, मैं उसका दुख प्रकट करता हूं कि विवेक तिवारी जैसी घटना न होनी चाहिए, और उसमें हम अपनी कमी मानते हैं, हम अपने सिपाही की कमी मानते हैं, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा आगे बढ़ रही है।